नमस्कार बागवान भाइयों, आज हम श्रीमती अनीता नेगी जी के बगीचे में आए हैं। श्रीमती अनीता नेगी जी बंजार घाटी के तरगाड़ी गांव के एक प्रगतिशील बागवान हैं और वे 2018 से अपने बगीचे में प्राकृतिक खेती प्रैक्टिस कर रही है। आइए आज हम श्रीमती अनीता नेगी जी से मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो किस तरह प्राकृतिक खेती की विधियों से अपने सेब के बगीचे का प्रबंधन कर रहे हैं। नमस्कार अनीता नेगी मैम। नमस्कार, मैं अनीता नेगी ग्राम तरगाड़ी ब्लॉक बंजार जिला कुल्लू से हूँ। सबसे पहले तो आपका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैंने 2018 से श्वास पा लेकर प्राकृतिक विधि से ये काम शुरू किया है। जो आप ये 3 बीघे का एक मेरा पूरा मॉडल तैयार किया है मैंने, इसमें मुख्य फसल मेरी सेब है और सह फसल इसमें कम से कम मैंने 12 फसलें लगाई है, जैसे कोदरा हुआ, माश हुआ, फ्रांस बीन है और भिंडी है, शिमला मिर्च है और बैंगन है और लाल मिर्च है और टमाटर है, साथ में फ्रांस बीन है, खीरा भी है। जैसे सह फसल के रूप में मैंने इसे सेब के साथ लगाया है। इसे मेरी जो श्वास पालेकर प्राकृतिक विधि से मैंने जो काम किया है, सबसे पहले तो मैंने इसमें जो इस विधि से काम किया है इसे मेरे बहुत अच्छा फायदा हुआ है। जैसे आच्छादन का है, इसे मेरी पेड़ में, ये जो पेड़ है ये मेरे 4 साल के हैं। जब से मैंने इस विधि से काम शुरू किया है इसकी ग्रोथ और उसमें प्रोडक्शन और कलर बहुत अच्छा आया है। इसे हमें बहुत अच्छा लाभ हुआ है और खर्चा कम है और लाभ ज़्यादा है। तो हम इस खेती को बहुत अच्छे से और लोगों को जागरूक करेंगे, क्योंकि अपने लिए स्वास्थ्य के लिए ये बहुत अच्छा है। अपने लिए भी स्वस्थ रहो और लोगों को जागरूक करो, लोग भी स्वस्थ रहें। इसे हमारे बहुत फ़ायदा है और इसे रासायनिक विधि में जो इसे ज़्यादा खर्चा आता था, तो इसमें खाद और स्प्रे का भी बहुत खर्चा आता था, इसे हमारा बहुत कम खर्चा हो गया है। तो इस विधि से हमें बहुत अच्छा लगा। मैम, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा। मैं देख रहा हूँ कि जो ये सेब के तने हैं इसमें आपने गोबर की लिपाई की है, ये जो गोबर की लिपाई की है इसका क्या महत्व है इसमें? इसमें मैंने नीम पेस्ट बनाया है। अच्छा, ये गोबर की लिपाई नहीं है? गोबर की लिपाई नहीं है, इसमें 4-5 प्रकार के मैंने इसमें जो जैसे नीम पेस्ट के लिए हमने गाय का, देसी गाय का गौंतर डाला है और लाल मिट्टी डाली है, गोबर डाला है और साथ में कड़वे पत्ते जो गाय नहीं खाती है उसे पीस के डाला है और अलसी का तेल भी डाला है इसमें और राख भी डाला है इसमें और साथ में इसमें 5-6 किस्में मिला के इसमें किया है। जो ये हमें नीम पेस्ट लगाया है इसे भी हमें बहुत फ़ायदा है। जो हमें नीचे जो कीड़ी लगती है इसे भी बंद करने के लिए बंद किया जाता है, जो जड़ निकलती है और जो अंडे देती है, हम इस लेप से वो हमारे कीड़े अंदर नहीं जाते हैं। जो नीचे जो सूढ़ी कहते हैं हम इस कीड़े को, वो अंदर नहीं जाता है और इसे अंडे देने से पहले ही हम लेप लगाते हैं और तनने से हम बाहर घास नहीं देते इसमें आए और इससे हमें बहुत फ़ायदा है। जो मैंने ये नीम पेस्ट बनाया है इसके हमें बहुत फ़ायदे है पेड़ के लिए। तो मैम, जो घनजीव अमृत होता है और जीव अमृत होता है उसे आप कब कब अप्लाई करते हैं अपने पेड़ों में? इससे हमें जो घनजीव अमृत है जिससे जब हम इसको मल्चिंग करते हैं पेड़ को, जब घास डालते हैं घनजीव अमृत पहले डालते हैं, उसके बाद आच्छादन करते हैं घास से और उसके ऊपर जीव अमृत डाल के उसे हम बहुत बढ़िया करते हैं, बहुत बढ़िया से होता है। इसे पता हमारे जो सूक्ष्म जीवाणु है जैसे केंचुए है, वो हमारे इसकी जो ये मल्चिंग किया है इस मतलब इससे हमारे जो सूक्ष्म जीवाणु जो रासायनिक खाद से हमारे गुम हो गए थे, जैसे केंचुआ खाद है, केंचुआ जो आता है हमारा पुराने वाला केंचुआ जो 6 इंच नीचे और ऊपर आता है, इसे हमारी मिट्टी उर्वरक और अच्छी बनी है, इसे हमारी ग्रोथ अच्छी हुई है और इसे क्रॉप भी अच्छी आई है, इसे हमें बहुत फायदा है। हाँ, और हम इसे बहुत अच्छे मतलब हम अच्छा ही इसे अच्छी फसल ले रहे हैं। हाँ जी, अच्छी फसल ले रहे हैं। और मैम, जैसे जो बीमारियां आती है और कीट वगैरह हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके लिए आप क्या मेथड्स फॉलो करते हैं? हमने 10 पानी अर्क बनाते हैं और इसके लिए और
अग्नि अस्त्र बनाते हैं जो हम इसी विधि से काम करते हैं। जैसे हमारे कलर नहीं आ रहा था और इसमें ये जो सेब की जो साइज बढ़ाया है इसे इसके लिए हमने सब धनिया अंकुर बनाया है और इसकी स्प्रे की है तो इससे हमें बहुत फ़ायदा। पीछे हमारे वो जो दाग जैसे लगे थे इसमें हमें प्योर देसी गाय का दूध की स्प्रे की थी और इससे हमारे ये दाग पत्ते मतलब कम हो गया और इससे हमारे पत्ते की ग्रोथ अच्छी हो गई है। तो इसे हमें बहुत फ़ायदा है जो हम इस विधि से काम कर रहे हैं। मैं इसका अब हमारे गुरुजी सुभाष पालेकर जी उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उनका आशीर्वाद हमारे साथ है और उन्होंने जिन्होंने इस विधि को अपनाया है। और सबसे पहले तो हमारे हिमाचल के राज्यपाल जो आचार्य देवव्रत जी तो इन्होंने इस खेती को हिमाचल में सबसे पहले बहुत अच्छा बढ़ावा दिया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस खेती को हिमाचल में इस खेती को बढ़ावा दिया है। तो हम आज उनकी वजह से आज हम इधर इस स्टेज में आ गए हैं तो हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। धन्यवाद मैम अपना समय देने के लिए। आपसे मैं बहुत बहुत खुश हुआ कि आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और कैसे सेब की खेती में हम प्राकृतिक खेती करके महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे सकते हैं उसके लिए आप एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। धन्यवाद मैम। धन्यवाद।